नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा समारोह प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री केशव देव जी महाराज पौराणिक महाकाव्य महान विभूति महाभारत 18 पुराण सहित श्रीमद भागवत कथा के रचयिता जैसे अनेक ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत आदि गुरु महर्षि वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव उत्सव जगतगुरु सरल चंद बालाजी आश्रम चौमहा के महंत श्री नारायण दास देवाचार्य जी के पावन सानिध्य में मनाया गया। सर्वप्रथम संस्थान अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा, नारायण प्रसाद शर्मा, बिहारी लाल गोस्वामी, पंकज शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से उनके चित्रपट पर मंत्रोच्चार के बीच अंगवस्त्र धारण करते हुए माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वृंदावन दास गोस्वामी एवं मुन्नीलाल गोस्वामी द्वारा 51 दीपकों की आरती उतारकर पूजा अर्चना की गई। जगतगुरु द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जगतगुरु ने उनको ईश्वर का अंश अवतार मानते हुए उनका महर्षि कृष्ण द्वापर वेदव्यास कहा जाता है। अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा द्वारा उनको अनेक ग्रंथों की रचयिता के साथ साथ विश्व का सबसे लोकप्रिय जनजन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत का रचयिता बताया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। छात्रवास शामिल होता है, उस दिन हमारे वेद व्यास भगवान का जन्मदिन है। इसे पूर्णिमा के दिन श्री व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता का जो लेखन किया उससे पूरे विश्व में हमारे कल्याण के लिए बताया गया है किस प्रकार से हिंदू रीति से जीवन किस प्रकार किया जाए। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, अर्जुन ने और से सब ने सुना, ये सब व्यास जी की लिखी हुई। आज उनका प्राकट उत्सव है। हम उस प्राकट उत्सव को भगवान श्री केशव देव मंदिर प्राचीन मंदिर में मना रहे हैं। श्री कृष्ण देव जी का मथुरा में भी लेखन हुआ। कृष्णगंगा घाट पर वेद व्यास जी की बैठक है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने इस महापुराण को लिखा। उसके बाद ये महापुराण हमारे प्राणी मात्र के लिए एक जीवन बन गया है और श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित इस पाठ को पूर्ण को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि जो जीवन है वो सार्थक है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है हमारे वेदों में, जो वेद जो लिखे वेद व्यास जी ने को देखते हुए मथुरा का बहुत ही राज्य है। मथुरा में वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ का रचन और यहाँ पर बहुत समय उन्होंने बिताया। कृष्णगंगा घाट पर वेद व्यास घाट है। आज हम लोगों ने केशव प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव में श्री वेद व्यास जी का प्रदर्शन मनाया। पूर्णिमा भी कहते हैं और ब्रज में मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया पूर्णिमा के दिन ब्रज में लाखों लोग आते हैं जो वेद व्यास जी के प्रणाम करते हैं, गिरिराज जी की प्रथम आज देते हैं। आज उनके प्रकट उत्सव पर हम सभी लोगों ने उनका प्रकट उत्सव बनाया है। जय जय श्री राधे, बोल भगवान केशव देव वेद व्यास जी महाराज की जय।